हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। मैं एक वैकेंसी लेके आया हूँ आप लोगों के सामने NMDC की तरफ से, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसके लोग के एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया था अखबारों में। एडवर्टाइजमेंट 26/5/2021 को दिया गया था, जिसमें NMDC के डिफरेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगे गए थे। तो इस चीज़ के बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक क्रोम ब्राउज़र पहले ओपन करना पड़ेगा, भी ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको लिखना है nmdc.co.in, ये लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपका पेज जो है NMDC का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। इसको आप स्क्रॉल करके पूरा वेबसाइट को देख सकते हैं, बाकी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे आप अबाउट अस में जाके कंपनी के बारे में देख सकते हैं, CMD के बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CPO, सीनियर मैनेजमेंट, बाकी जितने भी डिटेल आपको जानने हैं इस कंपनी के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। कौन कौन से लोकेशन में इस कंपनी की कंपनी सिचुएटेड है ये देख सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल करियर टैब में स्विच करूँगा। करियर टैब में स्विच करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, तो यहाँ पे जो पहला नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 7/2021 फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव जूनियर ऑफिसर एंड वर्कमैन इन वेरियस डिसिप्लिन फॉर तोकीसुद नॉर्थ कोल माइंस। तो इस वाले में मैं क्लिक करूँगा। तो इस बार का इंटरफेस थोड़ा अलग है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। आपको मैं बताऊँगा कैसे करना है। ये आपका लेफ्ट साइड में 3 एरो लाइन होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है सेकेंड नंबर पे, उसको आपको टैप करना है। एडवर्टाइजमेंट टैप करने के बाद यहाँ पे आएगा फॉर नोटिफिकेशन व्यू क्लिक हियर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं ओपन कर लूँगा। इसके बाद ये रहा आपका ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है वो। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट 26/5/2021 को, लेकिन 26 तारीख को मैंने लगातार इस पर मॉनिटर किया था। 26 तारीख को ये नोटिफिकेशन साइट पे नहीं डाला गया था, अखबार में 26 तारीख को ज़रूर छपवाया गया था, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये आई थिंक 27 के शाम तक या 28 के सुबह तक अपलोड किया गया था साइट में। तो मैं आपको अब वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। NMDC लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक नवरत्न कंपनी। इसमें लिखा हुआ है कि NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो एक नवरत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। नवरत्न, मिनीरत्न, महारत्न का टैग जिस भी कंपनी में लग जाता है उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, बहुत सारे उसमें सुविधाएँ मिलती है, उसमें फ्यूचर बेहतर होता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। एक मल्टी लोकेशनल कंपनी है, यानी बहुत सारे इसके लोकेशन है अलग अलग जगह पे। यहाँ पे अबॉर्ड में भी लोकेशन है इसका, मतलब कुछ देश के बाहर भी माइंस चल रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी इसका माइंस चल रहा है। मल्टी प्रोडक्ट है, जैसे कि हमको पता ही होगा कि आयरन ओर का भी इसका माइंस है, कॉपर का भी माइंस है, अब कोल का भी स्टार्ट कर रही है, डायमंड तक का ये माइनिंग करती है। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग माइनिंग है, लगातार प्रॉफिट तो बना ही रही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन भी करती है, खोजबीन भी करती है, साथ ही साथ इसको डाइवर्सिफाई भी कर रही है अलग अलग जगह में। अभी लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। तो NMDC को पहले कोल का माइनिंग नहीं करती थी, बट अभी वापस एक नया शुरू कर रही है कोल का माइनिंग, जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में सिचुएटेड है वहाँ पे ये अपना माइंस खोलने वाली है, उसी के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि NMDC लिमिटेड इज नाउ इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फॉर इट्स अपकमिंग तोकीसुद नॉर्थ कोल माइंस हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए ये वैकेंसी निकाला गया, मतलब आपका जो ड्यूटी लगेगा, ये जो पोस्ट आप अप्लाई करेंगे, ये सब का सब आपको हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में रहना पड़ेगा। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में NMDC का क्या टाउनशिप का स्टेटस है ये मुझे नहीं पता है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें अचारे बहुत अच्छा मिलता है, यानी कि 19% के आसपास अचारे मिलता है। तो आप कहीं भी रहेंगे, अगर आपको टाउनशिप नहीं भी दिया जाता है तो आपको एक अच्छा पैसा मिल जाएगा कि आप आराम से रेंट पे एक अच्छा घर में रह सकते हैं। फिलहाल मैं वैकेंसी की बात करता हूँ। सबसे पहला जो वैकेंसी है वो है डिप्टी जनरल मैनेजर माइनिंग, जो कि M8 कैटेगरी में आता है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड में जो एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट होते हैं वो E1, E2, E3, E4, E5 ऐसे होते हैं, इस तरह यहाँ पे M1, M2, M3, M4, M6, M7 ऐसे ऐसे करके होते हैं। तो जो डिप्टी जनरल मैनेजर माइनिंग M8 ग्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो एक पोस्ट का है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट। मतलब आप किसी भी रेपुटेड संस्थान से या इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री किया, यानी BTECH या फिर BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है,
यहाँ पे AMIE वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी केस चल रहा है, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूट पोजेस फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कंपटेंसी अंडर CMR इशूड बाय DGMS फॉर कोल, यानी कि अगर आपने कोल से फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट लिया है, चाहे आप 1957 के अकॉर्डिंग ले या 2017 के अकॉर्डिंग ले, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी इसमें कुछ मांगा गया है। इसमें बोला गया है कि मिनिमम 15 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन है यानी डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग है, ये खत्म करने के बाद 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। भले उस टाइम आपको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट नहीं मिला हो, बट डिग्री खत्म करने के बाद आपका वो सारा एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डेवलपमेंट एंड मैनेजिंग द ऑपरेशन ऑफ अपन कास्ट कोल माइंस इन इंडिया, इन कॉम्पेजाइंग माइन प्लानिंग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग प्रोडक्ट्स एंड एक्सकॉवेशन एंड डिवाटरिंग ऑफ माइंस, माइन लाइजनिंग विथ DGMS MOEFF फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह होता है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड DMG कोल कंट्रोलर जो कि रेटिंग तय करता है अलग अलग माइंस का, कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव MOC लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्टा, मतलब इन चीज़ों को आपको जानकारी होना चाहिए, इन चीज़ों में आपने काम किया, इन चीज़ों से आपने डील किया हो, ये 15 साल के अंदर आप लोगों ने किया। द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग द स्टेचुअरी कैपेसिटी ऑफ माइंस मैनेजर इन ओपन कास्ट कोल माइंस शैल बी डिजायरेबल, यानी कि अगर आप किसी भी माइंस में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, आप ओपन कास्ट कोल माइंस में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको डिजायरेबल यानी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस इन ग्रीन फील्ड कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन माइनिंग रिलेटेड वर्क्स एंड इस्टाब्लिशिंग माइन इंफ्रास्ट्रक्चर सेल हैव एडेड एडवांटेज, यानी अगर आपने इन चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज किया है तो आपको इसका और भी बेनिफिट मिलेगा, यानी सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप ग्रीन फील्ड कोल में कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में अगर आपने काम किया है तो। जो सेकेंड पोस्ट है वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनिंग M7 ग्रेड का पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन इसमें भी बोला गया है कि भैया BDA या BTECH किया है आपने माइनिंग इंजीनियरिंग से, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 12 साल का मांगा गया है। बाकी जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ मांगी गई वो सेम है जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर माइनिंग का था, मतलब सिर्फ 12 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वहाँ पे 15 साल का चाहिए था, बाकी सब चीज़ें सेम है। यानी यहाँ भी जो ग्रीन फील्ड कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में काम किया उनको प्रेफरेंस मिल जाएगा। बात करते हैं सीनियर मैनेजर जो थर्ड पोस्ट है माइनिंग का M6 ग्रेड का, इसका भी एक ही पोस्ट है। इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो भी डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग मांगा गया है, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आपने लिया हो, और यहाँ पे 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी जो चीज़ें हैं इसमें वो लगभग बराबर है, सेम टू सेम वही सब क्वालिफिकेशन वही सब क्वालिटीज़ इसमें भी मांगा गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है इसके लिए जो एक पोस्ट था, नेक्स्ट जो पोस्ट है फोर्थ नंबर पे वो है सीनियर मैनेजर फाइनेंस का, ये M6 ग्रेड में आता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो ग्रेजुएशन एंड CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट मांगा गया है, या फिर आपने ICWA किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर ये आपने नहीं किया है तो आपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया है और MBA फाइनेंस से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें 10 साल का मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का, मतलब डिग्री ख़त्म होने के बाद आपका एक्सपीरियंस ये सब होना चाहिए। एरिया बोला गया एक्सपीरियंस का जो एरिया है जो फील्ड है वो बोला गया है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इन प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजिंग ऑफ अकाउंट्स, बजट एंड कॉस्टिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एटसेट्रा इन माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रिफरेबली ऑपरेटेड अंडर SAP एनवायरमेंट, कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ कस्टम रेगुलेशंस एंड टैक्स लॉस। तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने माइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम किया है, इंडस्ट्री में काम किया है इन चीज़ों को लेके, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। ये जो पोस्ट है वो दो पोस्ट है सीनियर मैनेजर फाइनेंस का जो कि M6 ग्रेड में आता है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है मैनेजर फाइनेंस M5 ग्रेड का, ये चार इसका पोस्ट है टोटल। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है इसमें वो सेम मांगा गया है जो सीनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए मांगा गया है, मतलब ग्रेजुएट एंड CA ICWA और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट MBA के साथ फाइनेंस में किया हो आपने। जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया है वो 7 साल का मांगा गया है, और जो फील्ड है जो एरियाज हैं वो सेम है जैसा कि सीनियर मैनेजर फाइनेंस का था। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजर माइनिंग जो कि M5 ग्रेड में है, इसमें 5 पोस्ट का वैकेंसी है। ये बहुत अच्छी वैकेंसी आप कह सकते हैं क्योंकि मैनेजर माइनिंग M5 ग्रेड का वैकेंसी 5 निकाला गया, मतलब माइंस में पूरा पूरी फुल हो जाएगा उससे।
क्वालिफिकेशन इसमें बोला गया है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट सूट पोजेस फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर CMR इशूड बाई DGMS कोल. यानी डिग्री आपने किया है यानी BE या BTECH किया है, साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए कोल का DGMS वाला. और एक्सपीरियंस में बोला गया है कि 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए. बाकी जो क्वालिटीज इसमें बोली गई हैं उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ. मैनेजिंग द ऑपरेशन ऑफ ओपन कास्ट कोल माइंस इन इंडिया, इनकॉम्बेजिंग माइन प्लानिंग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग प्रोडक्शन एक्सकॉबिशन डिवाइडिंग ऑफ माइंस, माइन सेफ्टी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कोल एंड डिस्पैच एटसेट्रा लाइजनिंग विद वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर वेरियस परमिशंस लाइक माइंस एक्ट स्टेचू. द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग द स्टेचुअरी कैपेसिटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ओपन कास्ट कोल माइंस शैल बी डिजायरेबल. मतलब आपके पास अगर असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम करने का एक्सपीरियंस है तो आपको डिजायरेबल यानी प्रिफरेंस दिया जाएगा. तो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा अगर आपने फिर से ग्रीन फील्ड कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में काम किया है और आप अगर असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किए हैं तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मैनेजर कमर्शियल M5 ग्रेड का. जो दो पोस्ट है इसमें बोला गया है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ MBA और PG डिग्री डिप्लोमा इन मार्केटिंग फॉरेन ट्रेड सेल्स मैनेजमेंट टू ईयर ड्यूरेशन और कैंडिडेट इन इंजीनियरिंग विथ CA ICWA. ये तो पूरा क्वालिफिकेशन पर दिया गया डिटेल में कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, आप स्क्रीन शॉट करके पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं. एक्सपीरियंस बोला गया है कि 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो कि मार्केटिंग मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेल्स फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट. ही शुड बी कन्वर्जेंट विथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रूल एंड रेगुलेशंस. कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन मेटल एंड माइनिंग सेक्टर विल बी एडेड एडवांटेज. मतलब अगर आपने मेटल माइनिंग में या फिर मेटल माइनिंग सेक्टर में काम किया है तो फिर आपको एडवांटेज मिलेगा. नेक्स्ट जो पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर माइनिंग M4 ग्रेड का है. ये एक पोस्ट का वैकेंसी है. इसमें बोला गया है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए. अगर आपके पास ये नहीं है, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है. उसके बाद 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जिसमें ऑपरेशन ऑफ ओपन कास्ट माइंस इन इंडिया इनकॉम्पेजिंग माइन प्लानिंग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग प्रोडक्शन एक्सकॉवेशन डिवाटरिंग ऑफ माइन वाटर माइन सेफ्टी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कोल एंड इट्स डिस्पैच ये सब चीज़ें शामिल होंगी. आपके पास ऐसा 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यानी कि डिग्री इन माइनिंग खत्म करने के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो इसमें बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो बीटेक किए हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है. नेक्स्ट जो पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर सर्वे का है, M4 ग्रेड का है. एक पोस्ट है इसमें. इसमें बोला गया है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर माइंस या माइन सर्वेइंग किए हैं आपने, साथ ही साथ आपके पास एक माइन सर्वेयर का सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए जो कि DGMS के अंदर आता है, चाहे 1957 के हिसाब से कीजिए या CMR 2017 के हिसाब से कीजिए, दोनों में कोई भी चलेगा. एक्सपीरियंस में बोला गया है कि 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए. नॉलेज ऑफ हैंडलिंग ऑल टाइप्स ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटेशन ऑफ अर्थ वर्क वॉल्यूम एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड सेक्शन थ्रू सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड सिविल 3D एटसेट्रा फुल्ली कन्वर्जेंट विथ मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक टोटल स्टेशन इक्विपमेंट ऑटो सेट लेवल डम्बी लेवल एटसेट्रा वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइन प्लान सेक्शन एंड स्टेचुअरी रिक्वायरमेंट्स अंडर CMR 1957-2017. तो इसमें क्वालिटीज भी स्पष्ट कर दी गई हैं कि क्या क्या आपके पास क्वालिटीज होनी चाहिए. जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपका जूनियर ऑफिसर माइनिंग ब्लास्टिंग सुपरवाइजर का पोस्ट है. इसके लिए एक पोस्ट का वैकेंसी है. जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मांगा गया है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या और साथ ही साथ सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए. या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग भी किया है बट सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है आपके पास साथ ही साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन एक चीज़ और इसमें बोला गया है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है और अवर्मन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा हो. ये चीज़ें एक विवाद वाली बात है क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, DGMS ने बहुत पहले से एक नियम चला के रखा था कि सेंट जैन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होगा वो स्टेचुअरी प्रोविजन वाले जितने भी पोस्ट होंगे उन सभी के लिए वैलिड होगा. उसके बाद 2017 में
2017 में एक और भी कंपनी है जो कि SHE करके है, ओडिशा में है, मिनिस्ट्री ऑफ किस के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ओडिशा गवर्नमेंट के अंदर में आता है, उसको भी रिकॉग्नाइजेशन दिया था DGMS ने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और बहुत से लोग उससे भी सर्टिफिकेट बनाते हैं फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तो बड़ी बात यह है कि DGMS के पास दोनों का अप्रूवल है, यानी सेंट जॉन एम्बुलेंस का भी है और SHE का भी अप्रूवल है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनाने का, वहाँ से लोग बनाते हैं। लेकिन NMDC एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके बाद भी यहाँ पे सेंट जॉन एम्बुलेंस स्पष्ट तौर पे लिख दिया गया है, ये एक सवाल खड़ा करता है NMDC के ऊपर कि DGMS जिन दो ऑर्गेनाइजेशंस को वैलिडिटी दी है उनमें सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे क्यों है। तो ये एक बड़ी बात है। एक्सपीरियंस का बात करें तो 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए कोल माइंस में, मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए डीप होल ब्लास्टिंग को लेकर ओपन कास्ट माइंस में डिप्लोमा होल्डर के लिए, यह स्पष्ट कर दिया गया है। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो नॉन एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, वो RS-04 ग्रेड में आता है। यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव को RS-04 ग्रेड ऐसा करके दिखाया गया, जबकि हम लोग में TNS ग्रेड ऐसा करके आता था। तो जो क्वालिफिकेशन है पहला बोला गया है कि भैया मैट्रिक 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ वैलिड सरदार का, ओवरमैन का, शॉर्ट फायरर का, ब्लास्टर का, ये सब चीज़ों का सर्टिफिकेट कंपटेंसी होना चाहिए DGMS के द्वारा, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ भी लिख दिया गया है कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन से ही होना चाहिए, ये भी एक विवाद वाली बात है। एक्सपीरियंस की बात करें तो बोला गया है कि भैया 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, यानी कि आपका सर्टिफिकेट ले लेने के बाद का 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए माइंस में, कोल माइंस में, और 1 साल का कम से कम डीप होल ब्लास्टिंग को लेकर ओपन कास्ट माइंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है शॉर्ट फायरर पोस्ट के लिए, RS-04 ग्रेड के लिए। 2 पोस्ट है टोटल। अब मैं सैलरी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो सैलरी दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम सर्विस पीरियड ऑफ 2 ईयर्स इन स्केल ऑफ पे, आपको 2 साल ड्यूटी करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे आप एक एवरेज देख सकते हैं, मैं पूरा स्पष्ट नहीं करूँगा इसको, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। और शॉर्ट फायरर और जूनियर ऑफिसर की बात करें, जूनियर ऑफिसर का 37,000 से लेकर 1,30,000 रुपया, और शॉर्ट फायरर का 19,900 रुपया से लेकर 35,040 रुपया तक आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें लिखी है, जैसे आपको अलग से पे और अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे PRP जिसको हम लोग परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बोलते हैं, जो अधिकारी लोग को मिलता है, नॉन एग्जीक्यूटिव वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंसमेंट है, CPF है, ग्रेजुएटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, मतलब ग्रुप इंश्योरेंस है, जितने भी फैसिलिटीज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपको सब इसमें देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो लाइफ है बहुत बहुत अच्छा लाइफ है। और ये जो एप्लीकेशन डेट है वो 27 मई 2021 से लेके 16 जून 2021 तक आपका डेट है, सुबह के 10 बजे तक, मतलब 16 जून तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई भी दिक्कत होगा फॉर्म भरने में तो आप ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इसको कॉल कर सकते हैं 10 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक, कोई भी वर्किंग डे में, छुट्टी में आपको कॉल नहीं करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप कर रहे होंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ सकते हैं, जिसमें रेशन साइट, पासपोर्ट, फोटोग्राफ, मैट्रिक का, 10th का सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, कास्ट सर्टिफिकेट का, ये सब चीज़ें आपको अपने साथ में रखना है, स्कैंड सिग्नेचर, ये सब चीज़ें, ताकि आपको अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो फी रखा गया है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो था, मैंने MOM करके जो बताया था, उन सब के लिए 500 रुपया, जो सुपरवाइजरी ग्रेड पोस्ट था, जो ऑफिसर वाला था, जूनियर ऑफिसर, उसमें 250 रुपया, और जो वर्कमैन ग्रेड था यानी शॉर्ट फायरर का जो पोस्ट था, उसमें 150 रुपया आपको फी देना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है कि जो SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं, उनको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अब शॉर्ट में बता देता हूँ कि मोड ऑफ सेलेक्शन इसके लिए क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव ग्रेड है, मैं उनके लिए बता देता हूँ, जो अधिकारीगण हैं, उनको अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा, ऑनलाइन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट बुलाया जाएगा इंटरव्यू पे, आपको इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट, आपका नंबर्स, एक्सपीरियंस, इन चीज़ों को देखते हुए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। जो नॉन एग्जीक्यूटिव है या सुपरवाइजर वाले पोस्ट है, उनको 2 टेस्ट देना पड़ेगा। सबसे पहला जो टेस्ट देना पड़ेगा वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का, MCQ टाइप का रिटन टेस्ट होगा, जिसका अलग अलग जगह पर सेंटर पड़ेगा, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा, सेंटर में बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उस टाइप का टेस्ट होगा, 100 नंबर का, उस वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो 1:3 रेशियो में, यानी अगर
10 पोस्ट है तो 30 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, अगर 100 पोस्ट है तो 300 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो आपका स्किल टेस्ट है उसके लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए। उसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं रखा गया, आपका क्वालिफाई आपको खपस करना है। उसके बाद आपका जो पहला वाला था, मतलब जो रिटेन टेस्ट हुआ था, उसको देख के आपका एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, जिसमें अगर आपका नाम होगा तो आपका जॉब लग जाएगा। फिर आपको फर्दर जो मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होता है वो सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, अगर आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो इसका, अगर आप नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं ऐसे ही पीडीएफ डालता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ड्राइव से शेयर करने में थोड़ा दिक्कत होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, अक्सर लोग कुछ डाउनलोड कर पाते कुछ नहीं कर पाते। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ मैं अक्सर पीडीएफ डाल दिया करता हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।